अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू से गड मां जो मेज़बान इशफाक अहमद। नाज़रीन, ग्लोबल रिव्यू में पाण कोशिश कंदा आहियूं आलमी सियासत के हवाले से गालण की, उन में अजकल जेका सब का वधीक डिस्कस थींदड़ गाल आहे या जेका डिस्कस कंदड़ खबर आहे उहा रशिया यूक्रेन आहे। रशिया यूक्रेन की जंग का पहिरियां तमाम घणो अफगानिस्तान के डिस्कस कयो पे वियो, पर रशिया यूक्रेन की जंग शुरू थियण खां पोए अफगानिस्तान इशू बैकफुट ते हलो वियो आहे, बैक ते हलो वियो आहे। इन वक्त रशिया यूक्रेन की जेका जंग आहे उहा तमाम अहम इशू समझो पे वे, छाकाणि त जंग जा न सिर्फ इंसानी जो अलमियो है वो जन्म वठंदो आहे, पर उनका अलावा पूरी दुनिया ते जेका अनस्टेबिलिटी वाली सूरत हाल पैदा थींदी आहे उन भी पूरी दुनिया के इन वक्त मायूस करे छड्यो आहे। त छा रशिया और यूक्रेन की जंग टी आलमी जंग की शुरुआत साबित न थे किथे, छाकाणि त रशिया यूक्रेन की जंग के 100 ढीं गुजरी चुका आहिन, पर इन वक्त ताईं उन जंग जो को भी अंजाम न थियो आहे, का भी रिजल्ट असांजे साम्हूं मौजूद न आहे। एक पासे रशिया है और बे पासे यूक्रेन से गड यूरोपी यूनियन जा तमाम मुल्क अमेरिका जो भी साथ आहे, त उन पासे खौफ इहो भी पैदा थियो आहे त छा नेटो जो इतिहाद आहे या जेका नेटो जूं जेके कुवतूं आहिनि उहे किथे रशिया ते हमलो न करे वठन, जंहिंखां पोइ टी आलमी जंग जेका आहे उनजी शुरुआत थी वञे। हिते हिकड़ी इहा ॻाल्हि बि करणु ज़रूरी आहे त जेके दुनिया जा सुपर पावर आहिनि या जेके दुनिया जूं जेके डेवलप्ड कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि खे घुरिजे त उहे इन जंग खे पोइ ख़तमु करण जे लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कनि। पर असां ॾिठोसीं त कुझु ॾींहं अॻु में अमेरिका पारां रशिया खे रॉकेट ॾियण जी जेका आहे जो फ़ैसिलो कयो वियो, ऐं हाणे वरी बर्तानिया पारां बि यूक्रेन के रॉकेट ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। बर्तानिया बि यूक्रेन खे रॉकेट ॾियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। फ़ैसिला इहे थियणु खपनि हा त जंग खे ख़तमु कीअं करणो आहे, ॿिन्ही खे टेबल टॉक ते कीअं आणणो आहे, इन मसइले खे ॻाल्हियुनि ज़रिए कीअं हल कजे, छाकाणि त जंग शुरू त थी सघे थी पर ॻाल्हियुनि सां ख़तमु थींदी आहे, कॾहिं बि हथियारनि सां जंग ख़तमु न थी आहे। रशिया यूक्रेन की जंग की छा सूरत हाल है, यह जंग किथे इख्तिताम पजीर थींदी, इन हवाले से गालाइंदासीं। ज़फरुल्लाह शेख साहब असां गॾु मौजूद आहिनि जेके अगुणो सफ़ीर आहिनि। सर, वॾी महिरबानी प्रोग्राम में वक़्त ॾियण जे लाइ। मां जीअं पंहिंजे इंट्रो में ॻाल्हि कयो त पहिरियां अमरीका यूक्रेन खे रॉकेट ॾियण जी जेका आहे उहा ऑफर कई ऐं फ़ैसिलो कयो, हाणे वरी बर्तानिया पारां बि इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। अव्हां खे नथो लॻे त इहे ॿ अहम मुल्क आहिनि, हिकिड़ो अमेरिका जेको सब कॉन्टिनेंट आहे उनजो ऐं ॿियो यूरोप कॉन्टिनेंट जो अहम मुल्क आहे, इन्हनि खे त मस्बत किरदारु अदा करणु घुरिजे हा, इहे हथियार पंहिंजो जेके आहे उहो ॾेई इन जंग खे वधीक ख़तरनाक न पिया कनि। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तव्हां पाण चयो त हीउ यूक्रेन जेको रशिया जो क्राइसिस शुरू थी आहे, इहा उन ॻाल्हि सां शुरू थी जॾहिं अमेरिकन्स जेको आहे ऐं नेटो वारनि इहो फ़ैसिलो कयो त यूक्रेन खे बि नेटो में असां मेंबर कंदासीं, असल उतां ट्रिगर थियो आहे। इन खां अॻु में वरी तव्हांजो पाण ख़बर हूंदी त अमेरिकन्स ऐं रशियंस जे पाण में ॻाल्हायो, वर्बल एग्रीमेंट थी वियो त हू जीअं हाणे हंगरी आहे, रोमानिया आहे, इस्टोनिया आहे, उन खां पोइ बल्गेरिया इलाही जेके आहिनि नेटो जा मेंबर आहिनि, असां न कंदासीं। ऐं रशिया हुननि खे वॉर्न बि कयो त हिननि खे रशिया खे ख़बर आहे त इहे सभु जेकॾहिं चौगिर्दु सभई नेटो जा मेंबर थी विया त नेटो जा फोर्सिस जेके ईंदा ऐं हुननि जी सिक्योरिटी खे ख़तरो आहे, असल ॻाल्हि खां शुरू थी। हाणे हलंदे हलंदे अचूं था अॼु टाइम थोरो आहे त रशियंस जेको आहे पंहिंजो अॻिते करे यूक्रेन जी बॉर्डर्स खणी वरिती आहे ऐं उन खां पोइ अॻिते हाणे वधी करे हाणे कीव ताईं वधी रहिया आहिनि। कीव ताईं जंग हले पई, काफ़ी हिसा जेके आहिनि उहे ॿिया हेॾो होॾो साउथ में बि कुझु हुन खणी छॾिया आहिनि। हाणे प्रेशर सॼो जेको हुन ते आहे हुनमें नेचुरली रशियंस जी बि कुझु कैजुअलिटी थी आहे, पर हाणे जेके आहिनि उनमें नेटो जो मेंबर त हाणे कोन कयो आहे हुननि हुननि खे नो फ्लाइंग ज़ोन ते बि उहो कोन एग्री थिया आहे अमेरिकन सां ॿिया जेके आहिनि। हाणे जेको आहे पंहिंजो यूक्रेन प्रेसिडेंट सभिनी खे चए थो मूंखे हथियार खपनि। हाणे हुनजा रेफ्यूजी तमामु मिलियंस में हली विया आहिनि, ख़ासि करके पोलैंड में, हंगरी में, जर्मनी में हलिया विया आहिनि, काफ़ी हुननि खे आहिनि। हाणे हुन जा मर्द जेके सभई आहिनि उहे विढ़नि था पिया, ख़ासि करके जेके यूक्रेनियंस मर्द आहिनि उहे जेके आहिनि हाणे कीव खे बचाइण जी कोशिश में लॻा पिया आहिनि। हिकिड़ो हिसो इहो आहे, ॿियो हिसो इहो आहे जेको तव्हां सुवालु हाणे पुछो आहे चऊं था उन ते,
हाँ जैसे चीन के यूक्रेन के हथियार ना मिलन तो रशिया जो है अची वो हाँ उनके कें रोकज उत्ते जर्मनी हथियार दिना थोड़ा एंटी एयरक्राफ्ट गन या बे जी भी उन्हें डिटेल्स में को वा इन जो टाइम थोड़ा वही उनके अमेरिकन अश्योरेंस हाँ यूके जो तुम गाल कई लेटेस्ट है उनके असके मिसाइल पाया रॉकेट्स पाया अस शे जैसे तमाम घो रशिया जो है गुस्सो किया गुस्सो रिसेंटली पुटिन जो तक इंटरव्यू की खबर होंगी तो वो जी पुराने जी रार्स या उनकी हिस्ट्री तुम वो उनकी फिलोसफी यह है तो जी रशिया जहा हिस्सा पे हुआ अस वापस वे अस इन्वेजन को रखूँ असि यूक्रेन से इन्वेजन ना यूक्रेन असो हिस्सो हो जी अस हिस्सो है उनके वापस वो रशिया के जो है अख्तियार नंबर टू नंबर थ्री थो हाँ जी थर्ड आलमगीर जंग जो इशारो दिनों बो दिनों वो अजा थोड़ा परे थर्ड आलमगीर जंग नी ये जो सजो हाँ रशिया यूक्रेन जो सिलसिलो थो सजो वर्ल्ड में जो बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब थी हाँ तुम चो था तो कोई अगते अची कर इन जंग के बंद कराए हाँ केर के सिक्योरिटी काउंसिल जहा सभी जो मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स ये उनमें जर्मनी आ फ्रांस है रशिया है ऑफकोर्स चाइना है अमेरिका है मुख्य चवण जो ये तो सजो यूरोप जो निपटो पे रशिया सेंशंस अमेरिका जैसे कें चिड़ो सेंशंस हणा जो उनके हथियार है को या तो वॉर कह या सेंशंस हणंद सेंशंस किस्म की हाइब्रिड वॉर ही है किस्म की तो उन सेंशंस हया रशिया जो ठीक है या खुशी तीन पूरी कर एनर्जी और सब फूड सब कुछ बंद तो क्या तमाम रशिया वो मुल्क है हाँ उनकी गैस जी जर्मनी वेंदी है बिहंद वेंदी है उनका खाधा भी वेंदा हाँ हालत यह थी तो सजे यूरोप में जी महंगाई जी इन्फ्लेशन जी यूएस में मुसीबत थी हाँ वो चवन था अस एनर्जी अस गैस जो है सो खाधे का शीशा अस का वे अमेरिका हाँ चाहे तो नेटो जो वो अलायंस एक्चुअली अमेरिका यूरोप के विच में उनके वो भी हाँ कम को उनके खबर है जैसे अस अगते बढ़ियास हथियार से रशिया तमाम वो मुल्क है बाकी टी आलमगीर जंग छिड़ी सके थी हाँ जैसे रशिया जैसे यो अगते वो यूरोप हाँ जड़े नमूने में ठहल है पैरों तो ये जे सुपर पावर्स हुआ अमेरिकन्स की उनमें रशिया चुप वेठो हों चाइना भी चुप वेठो हों तो यूरोपियंस अमेरिकन्स आराम से ईरान इराकी वार भी कराई गल्फ की वार भी कराई उनमें भी बाहर मारियो लिबनान के खत्म क्यों सीरिया के खत्म क्यों यमन के खत्म क्यों सऊदी अरेबिया के ऑलमोस्ट अद कर पाकिस्तान के मतलब प्रेशर क्यों अफगानिस्तान के तो ये शूं हाँ उनका विछरी हुई तुम वाली गाल बिल्कुल सही है अफगानिस्तान हाँ खत्म किया है उनके लगे पांजे की अस हाँ किथे वही बीहे जाने रशिया जवड़ में आयो अगते वजह या यूके उनके हथियार दिना जैसे रशिया उनके वॉर्न किया यो कम न कजो यूरोप में वॉर थी यूरोप जो तबाह थी वो इस टाइम फिलहाल कर दो सवाल पूछो था सर यो अगते बुधा जो अवा सेंक्शन की गाल कई सेंक्शन के हवाले से अवा ना समझो त नुकसान जो यूरोप से यूरोप के थे पो बजाय रशिया के तो सेंक्शन से एतो नुकसान न पवंद नुकसान छाकाणत गैस जितर भी फ्यूल जो जो सिस्टम है यूरोपी मुल्क के वो रशिया में गुजरे तो रशिया के नुकसान इन कर पवो जहां तक करंसी जो सिस्टम है ना रूबल्स में पेमेंट जो कर रूबल में पेमेंट करेंडेंस ऑन डॉलर ही वह भी खत्म की वही हाँ उनका आफ्टर इफेक्ट्स बन मुल्क में पाकिस्तान जड़े मुल्क में भी पवे तो असके भी पवे तो हर शे पे तो मिडल ईस्ट में पे तो ऑयल प्राइसिस से पे तो दुनिया के स्टॉक एक्सचेंजेस से पे तो छो सो जो इकोनॉमिक बैलेंस है वो सजो हिली गया हाँ रशिया नंढो कंट्री है अद का एडा मुल्क जो साण उन सजा मुल्क हुआ रशिया उनके बाकायदा गैस एनर्जी खाधे शो सप्लाई कह यूरोपियंस के हाँ फिक्र यह लगी है अस सफा मरी वे असि जैसे रशिया की टोटल असि सपोर्ट खत्म की वही अस एतर शादा वहींदा लेटी हाँ उनकी वीडियो दिखी हाँ चवन था बे कटारे को हाँ बायोगैस में अस शूं था जैसे असि डिपेंडेंट क्यों पर ये शूं के सही कह रशिया की गैस रशिया की एनर्जी रशिया जहा
तरीका जी मुख्य जर्मनी में मुझा दोस्त आने बुधा तो सही जर्मनी में एडी महंगाई थी है फ्रांस में अस वेल में पे जाऊँ जर्मनी में वही क्राइसिस ये मुल्क जे टोटली जे यूरोप जीयू ये हाँ तमाम वो ग्रुप थी पर जे वेस्टर्न यूरोप जहाँ कंट्रीज हैं खास कर उनके मतों इकोनॉमिक प्रेशर्स एडा है जो उतना मानू सजा परेशान किया तो मुख्य लगे तो अल्टीमेटली रशिया जो इन करते नो अचे उनके खबर आ तो इकोनॉमिकली बढ़ी वा खुद मरदा ये सरेंडर कदा हाँ इन सिचुएशन में बीहंदी अना ती अमेरिकन जन जिद के बीठा चाहता नेटो के भी कायम रखू इन यूके किस्म फैसलो कर मुझे ख्याल में ये अकलमंद फैसलो ना यह एग्रीमेंट कहती सिचुएशन के जैसे हथियार वगैरह दिना तो जो रशिया है वो कोई को रशियन की हिस्ट्री वॉर जी आ रही है हाँ वो हेस ती छा चीन ती वही पहुंचा इन यूक्रेन के खड़ी वा पर मुझी एनालिसिस ये तो छड़े यूक्रेन के को खड़ा पर जी रशिया जहा पुराना हिस्सा उन्होंने अगते वही कर वो काथे ना काथे वही वो पाने वन की वापस वन की कोशिश कर। अच्छा सर यो बुधाजो तो बिन्हीं मुल्कन के एतरी कुवतू आन उ चाहन तो बिन्हीं के टेबल टॉक से जो आने सन थी डायलॉग जो उनकी भी शुरुआत थी सके थी अवान नथा समझो तो बिन्हीं मुल्कन के हिंसर वेही गाल करन घुर्जे छाकाण त सौ ढी तो गुजरी चुका है जंग के पर असं के वाजे नतीजा नजर ना आया यूक्रेन भी पैंजी जो होड से कायम है रशिया भी पे हटन के लिए तैयार ना है तो इनको अंजाम जो असंके एक तातुल वाली सूरत हाल नजर भी अचे तो माना को कें पास भी असं बेहतरी नजर न पी अचे तो इन में जो दुनिया जहा अहम मुल्क उतरा खामोश छो वेठा बजाय वो मसलो हल कर वो बरंदी थे तेल जो किरदार छो पा अदा कन ये दुनिया तमाम नंढी थी चुकी है हाँ यो दिखो वो तो ये जो मुल्क पा में खास करके रशिया अमेरिकन जो टक्कर थो यू भी विच में फांसी पो हाँ अमेरिकन एलाइज कड़ा सभी फारिश जो बिल्कुल लेम डॉग वागुर यानी बिल्कुल ये चाहता डफ एंड डम्प एक ह्यूमन जो हों बुझी सके ना ाले सके जपान की हालत ऐसो उतने तो रेगुलर आर्मी भी कल वो अमेरिकन जो एलाइज साउथ कोरिया से अचो वो विच नॉर्थ कोरिया अचो वो चाइना से थाईलैंड और बैंकॉक ये सब शे विचवारा ऐसा कुछ भी कोने उनकी का वैली पाए कान स्टडी हाँ तो साउथ एशिया के साउथ एशिया के इंडिया है इंडिया पे गेम खेले तो वेटो आराम से वेठो आ सब चाहता तो ठीक है वो पे इंडिया इंडिया वो मुल्क है उनके मुल्क में मुसलमान उनके घेरे लगो पो मोदी के खिलाफ इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान से अचो न्यूक्लियर कंट्री है असा भी असोजो जो है सिलसिलो जो अब इकोनॉमिकली पॉलिटिकली बी जो इनस्टेबिलिटी है मुल्क में उनके भी अस सर्वाइवल में लगा पाया तो सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट ऑयल के सिलसिले में तुम वो हल्या इन में ईरान थोड़ा घो फायद वे तो पे क्योंकि ईरान वो गैस भी आ ईरान वो ऑयल भी ईरान कोशिश भी करे तो न्यूक्लियर थे तो हाँ जो तुम सवाल है केर वे इन से केर ाले ाले केर चाइना बाकी बचे तो चाइना तो आराम से चुप कर वेठो आ चाइना से भी अमेरिका उड़ी हुई उनको साइड थो को हाँ अमेरिकन के लिए या उनके लिए केर विहारे इनके कीव के यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है रशिया जो फॉरन मिनिस्टर हो उनके बीच में थोड़ी गाल टे चार सेशन थे पर उनकी जी असल मकसद हुए सिविलियंस हैं ये इतना पीसफुली निकली वन इनकी घनी कैजुअलिटी न थे उनमें मॉरिपोल में देश की जाते जंग हले पी वो थोड़ा सीज फायर कर उनको बाहर कड़ी छे तो मिलियंस में यूक्रेनियंस हलिया वन बाहर उनका वो कामयाब न वही गाल हाँ पॉलिटिकल लेवल से बिन्हीं के कड़ो मुल्क है जो अगर अफ्रीका सही जो रंग कारो आड़ो भी पावरफुल कंट्री को बिन्हीं टिन्हीं सुपर पावर्स के चयन के चे तो बाबा टेबल से तुम वो हाँ मुल्क है वो है पाकिस्तान हाँ पाकिस्तान जो असि फॉरन पॉलिसी जी अस विच में आयो अस चाहूंता भी तो ये जी जंग न थे खे पर हाँ गाल है असर जो स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप हो वो अगते खड़ी कदम कर सी थी छो जो अस पाकिस्तान जहा तालुक चाइना से भी सुठा रशिया से भी सुठा खराब ना अमेरिकन से भी खराब ना हाँ वो मुल्क कोई नजर को तो इंडियंस कदम कुछ न कह इंडिया पे सर्वाइवल में लगा पाया तो पाकिस्तान के क्या डिस्टेबलाइज क्यों पाकिस्तान के क्यों अफगानिस्तान में क्या वनों तो मुझे जो तुम सवाल जवाब आ सवाल आ केर वेही इन के विहारे टेबल से यो वो क्वेश्चन मार्क आ मुख्य रुको भाव यो तो थे तो जो हल आ पीस थी सके तो अमेरिकन स्टेकन हथ था लहन यूरोपियन स्टेकन हथ था लहन
हथियार यूक्रेन के लगन यूक्रेन के चवन बाबा ठीक है का गाल कान्ह का रशियन से पा वेही गाल रशियंस दसो चाहन छो जो रशियन की डिमांड यह है तो यूक्रेन के नेटो जो मेंबर तुम नाइंद भी नाइंद ईस्ट यूरोपियन जब थन बल्गेरिया एस्टोनिया हंगरी पोलैंड छो ठाया एग्रीमेंट्स के वर्बल एग्रीमेंट्स के खिलाफ हुआ हाँ इट ऑल डिपेंड्स ऑन यूरोपियन कंट्री एंड अमेरिकन जो बिहेव कदा तो ठीक है लेकिन रशिया पे को कह जैसे यह गाल इलाही देर पर थी बिफोर इट्स टू लेट मुख्य लगे तो जंग यूरोप तीन हली हुई ढो को बुरो हाल सके तो यो थर्ड वर्ल्ड वॉर दे हलो अच्छा सर जो बाइडन जो एक बयान मुझी नजर में गुजरियो जैमें जो बाइडन असा यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की के अगमें इन्फॉर्म किया रशिया यूक्रेन ते हमलो करण वारो आहे पर व्लादिमीर जेलेंस्की उनके संजीदगी से न वरतो उनके लगो उनके यो फील पे थियो त रशिया कदें भी उन ते यूक्रेन ते अटैक न तो कर सके अमा समझो था त रशिया जो जको अटैक का है उन्हें जो कुछ कारण यो भी है यूक्रेन किते मिसकैलकुलेशन किया या अंडर एस्टिमेट किया रशिया के इन करे वो भी अटैक थी वो रशिया के यूक्रेन के न लगन हो तो रशिया अस कदा अटैक कर सके तो यूक्रेन की जैसे इलेक्शन जो बैकग्राउंड तुम वो तो बेसिकली यो ज्यूश बैकग्राउंड है जेलेंस्की इनके आने वाला भी अमेरिकन भी यूरोपियन भी ये चाहन पाया के पसंद की हुकूमत इतने यूक्रेन में थे छो जो अल्टिमेटली अमेरिकन यूरोपियंस इो ही एम हो असा यूक्रेन के बेन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वागर नेटो में असा उनके इंक्लूड कदे मेंबर कदे उनका अची हथियार वथियार चंग तरह से रखी कर रशिया के मतों अस उनके कंटेन कदे जो रशिया चो तो यो मुख्य कबूल ना है जाती यह वॉर शुरू किया हाँ गाल है तो यो हमरा जो इनकी एडी वही मेजॉरिटी यूक्रेन में कान इनको ही आंदर मानू चुका है पर हाँ जी ये पा अची फाथो आ पान फाथो इन करी जी थ्यूरी तुम चो ऐसी पुरानी गाल प्रेसिडेंट जो है यूक्रेन जो इन्हें बुधाए उन सभी के हाँ भी ओपनली चवे तो वे कांग्रेस में बाकायदा उनके बाय वीडियो उनकी कॉन्फ्रेंसिस थी रही यूरोप में तो तेबानी कर हथियार दियो हथियार दियो हथियार कुछ न कहते हल्का फुल्का हथियार उन्होंने आया जरूर पर जे मेजर हथियार वा उसे थोड़ा आया उ रशिया उन्होंने तबाह कर छाया हाँ यो मुसीबत यह थी तमाम वही दुखी गाल है यूक्रेन में चर्नोबिल जी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं खुदा न खासा उन्होंने जैसे भी थोड़ी अटैक थी जी रशियंस के कंट्रोल में आन कुछ उन्होंने तमाम वो मसलो वो सजे उनमें यूरोप जो सफा मोमबत्ती थी वो इन कर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो जे एटॉमिक बॉम्ब जो हैरी ट्रूमन किरिया हुआ उसे 1945 46 में हिरोशिमा और नागासाकी से एटॉमिक रिएक्शन उसे उन्होंने खबर आ हाँ गाल है तो ये जो पा वो हाँ तीन गाल कई है हाँ सदर जो है ये तो चे तो वो हथियार दियो हथियार दियो यो ना है जो हथियार वो तो इनके रशिया से न पुजी सदा रशिया तमाम वो मुल्क है तमाम स्ट्रॉन्ग मुल्क है ये मामूली गाल ना रशिया चाहे केतो भी हाँ है जो वही गाल है क्वाइटली बिहाइंड द सीन चाइना भी रशिया से गड आजा वो स्टेप उन्होंने न किया अजा अड़ी का सिचुएशन ना आई है तो वॉरन कर न तो सच्ची गाल है जैसे वॉर वही लगी तो चाइना और रशिया जैसे पा में मिली आ अमेरिका इनके ढो नुकसान पहुंचो ये वॉर जी तमाम घनी अगे वी जफरुल्ला शेख साहब वड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में वक्त दें नाजीन रशिया यूक्रेन के इशू के हवाले से अस डिस्कस पे कयोसी जफरुल्ला शेख साहब अस मौजूद हुआ उनको यही चवण है त जद आलमी दुनिया इनमें किरदार अदा न करे तो रशिया यूक्रेन की जो अज की जंग है या सुभाने की टी आलमी जंग भी सके थी उनका अलावा जंग की जो सूरत हाल है वह सिर्फ़ एतरी न होंगी आके बिढ़ंदड़ मुल्क उन्होंने ही नुकसान थे बल्कि पूरी दुनिया जो नुकसान थो है वो मुआशी तौर भी सके तो अमन अमान की सूरत हाल के हवा से भी सके तो दुनिया में जो वक्त इकोनॉमिकली अनस्टेबिलिटी अस नजर पी अचे उनमें काफ़ी हद तई रशिया यूक्रेन की जंग जो भी किरदार है जरूरत इन गाल जी आहे ते इन जंग के इते हिन वक्त रोकन जी जरूरत आहे छो ता हिन वक्त ब 100 दिन गुजरन का पोए
के भी नतीजा असं के जंग जा नजर ना आया हैं। रशिया जो वो मुसलसल यूक्रेन ते अटैक पो करे जडें त यूक्रेन पारा इन गाल जो भी एतराफ़ कयो वियो आहे त उन्हें वट हाने उहे हथियार नहीं रहा जिनसा हु रशिया जो मुकाबलो करे सगन। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी आहे, वक्त थियो आहे ब्रेक जो। असा सां गॾु असी प्रोग्राम में एक दफो बीहर भलीकार। दुनिया में इन वक्त हर मुल्क में तकरीबन महंगाई जका है वह लहर उरूज ते है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि जे दुनिया जा जे तरक्की याफ्ता मुल्क जिथे महंगाई जो एतरो को खास असर ना पवंद उत्ते भी महंगाई वधन जो शिकायतों या रिपोर्टू जो है सामू पी अचन। कोशिश कंदी गाली माशी माहिर से अगर मौजूद हैं जनाब इंजीनियर अब्दुल जब्बार मेमन साहब सर वही मेहरबानी प्रोग्राम में वक्त दिन के लिए। सब का पैर यो बुझाजो तो हि जी महंगाई की लहर पूरी दुनिया में इन वक्त हल पी इन कारण रुगो रशिया यूक्रेन की जंग है कोविड 19 है या इनके अलावा भी के फैक्टर्स हैं? कोविड 19 की जी शुरुआत थे थी चाइना में सर डिसरप्शन थे थी चाइना जो सो एक जैसे हूं तो नंबर माशी नंबर में बे नंबर से तकरीबन इकोनॉमिक जो वैल्यू रखे तो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स माना चाइना एक्सपोर्ट जो कर वेठो दुनिया में उनका मुसाबकाना जो कीमत है उनके कर वर्ल्ड में चाइना की जी लोअर टेक और एम टेक जो शन तमाम घो विकामजन पे उनके हाईटेक में कोलेबरेशन इन्वेस्टमेंट्स कराए वेस्ट एंड यूएस का उत उनकी मार्केट ठहल हाँ थोड़ी देर ला असा एक्सपोर्ट मार्केट में एक मुसाबकाना या एक इकोनॉमी ऑफ स्केल के हवाले से कीमतों के जहन में रखू कोविड का पे उनका चाइना जो एक तमाम वो इम्पोर्टर है माना चाइना की पैंकी जो कंजम्पशन है वो ऑयल का वी जैने जे भी फूड लेवल के भी रिक्वायरमेंट चाइना बारह पूरी करे तो हकीकत है कि चाइना वी इंटरनल स्ट्रेंथ होंदे भी चाइना की रिक्वायरमेंट बारह अचे थी ये सब गालियों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हाँ थोड़ी देर लाइ जैसे चाइना में ये डिसरप्शन थन थ चाइना में जो एक्सपोर्ट्स जो उनके एक स्मूथ मूवमेंट में प्रोडक्शन में जैसे जी सा घटताई अचे थी तो उन गो ग कोविड जैसे स्टार्ट तो थे इंटेंसीफाई तो थे तो जे भी फ्रेट चार्जेस दुनिया में उही दफा शायद वीन साल में 300 and 400% जो जैसे कंटेनर्स की नॉन अवेलेबिलिटी के अलावा फ्रेट चार्जेस 300-400% यो खुद कें भी एक शीमतों के बढ़ाने में तो तमाम वो रोल पे प्ले करे तो दुनिया में मेजर मूवमेंट ऑफ गुड्स जै सी के जरिए थोड़ी देर लाइ अस चूं तो वह कुछ मूवमेंट पेरिशेबल्स वगैरह की जी एयरक्राफ्ट बेन जरिए है तो उते जो सो तमाम घो फर्क इन आयो तो एक ऑयल सप्लाईज जी उनकी नॉर्मल कंजम्पशन है रेगुलर वे में उनकी जी फॉर्मेडेबल पूरा स्ट्रक्चरिंग हुई उनमें जैसे फर्क आयो किथे किथे जो सो ये एक्सप्लोरेशंस या वेल हेड में घो जो सो ऑयल न पे आयो तो इन कीमतों में पिण शिकायत की हद तक वाधारो आयो जैमें ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो भी मुझे पैं ख्याल में लफ्ज साजिश करार न दींदुस पर एक चवंदुस तो वो हथ है इन कीमतों के कैप्चर कर चाह बिजनेस में जो मू लूज करीके से गेन कूज लार्जर स्केल ऑफ इकोनॉमी में गेन कड़ी स्मॉलर स्केल ऑफ इकोनॉमी में पैंकी कंपनी के बड़े टाइकोन बिजनेस के ओड़ी तरीके से हैंडल ककीकत है तो रशिया का वी जैसे गल्फ और सऊदी अरेबिया बेन का ऑयल प्रोड्यूसर्स के ऐसा तो उतने स्टेट जो कंट्रोल है स्टेट जैसे पा मुलवश थे थी इन ओपन बिजनेस के नॉर्म्स का हटी कर एक मोनोपोलाइज नॉर्म्स से अचे थी तो कीमतों में यो वाधारो आयो हाँ थोड़ी देर लाइ सिर्फ कोविड के चाइना के इकोनॉमी से महदूद न कहीं चाइना तो थो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर पर जिता चाइना इम्पोर्ट कर वेठो उ सब जो
ओड़ी तरीके से मुतासर थे तो मुतासर थे जो मानू जो आज से उन्होंने लॉकडाउंस जी नॉर्मल गाल माना एचआर की प्रोडक्शन वैल्यू घटी प्लस कंपनियों में जो कुछ जो प्रोडक्शन लेवल हुई प्रोडक्टिविटी जो आंसर घटजन वो जैसे प्रोडक्टिविटी जो आंसर घटजन वो तो कीमतों में उतरी एस्केलेशन थी उन कीमतों की जो एस्केलेशन उन्हें इंटरनेशनल ओवरऑल असा तमाम नंढा कंज्यूमर आई ओवरऑल हर हंध जो सो इंटरनेशनली कंजम्पशन के एस्केलेट कॉस्ट के एस्केलेट किया हाँ जैसे इन मिसाल असे सामू वूँ तो दुनिया में जो सो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स डेवलप थे महंगाई आई पर डेवलप मुल्क से उन महंगाई के जो सो कें तरीके से उन हद तक सो उन मे उन असर न विधा तो किथे सारी सोसाइटी में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट न थे को रेवोल्यूशन तो माना चंदुस पर एक तमाम हाई एजिटेशन जहाँ सोसाइटी में बचाने लाए जैसे अमेरिका ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स से खर्च किया तो एंटरप्रनरशिप माना जी बिजनेस में मानू आन उन्होंने बचाओ वन वन कंपनियों के जो सो जीरो इंटरेस्ट रेट से जो पैसा दिना पा तो इन सजे हायर कॉस्ट एस्केलेशन लोअर प्रोडक्शन लोअर प्रोडक्टिविटी का पान के महफूज कर कंपनसेट थन इन्फ्लेशन इन सजे यूरोप अमेरिका में जै लेवल से अची वही हुई उन्हें इंटरेस्ट रेट्स घट हुआ हाँ अस वापस अचू असो मुल्क पाकिस्तान जो नंढो चुस तो कंज्यूमर कंट्री होंदे भी उन्हें में इहा सकत को नहीं जो चाइना में जैसे एक्सपोर्ट शुरू थी हाँ भी यही हालत अव टिन महीने पे गाल तो चाइना में शंघाई बेन पोर्ट्स से जो सो बायकादे जहाज पानी में बीठा अव हजारे जहाज बर्थिंग के अव बब महीना का पे कें स्लॉट को तो मिले सामान मूव थे जैसे कंखे प्रायोरिटी सामान मूव कराणो वो कंटेनर जो 1500 डॉलर्स में 7900 डॉलर से बचे वेटो माना जिते इनएविटेबिलिटी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कें भी नंढे मुल्क में तो उनके हायर फ्रेट कॉस्ट बढ़ाया जैमें वो पान के कंपनसेट इन नो कर सके जो ऑयल उन वही अच्छा अब्दुल जब्बार मेमन साहब यो पिण आगाह कजो तो दुनिया जिन रफ्तार से इन वक्त दुनिया में महंगाई जका वधे पई या कंट्रोल थी सके थी या घट थी सके थी या सो इन में जो सो इन वक्त ग्लोबल जका जियो इकोनॉमिक्स है जियो पॉलिटिक्स है उनमें वही कशीदगी है वह सेटल को थे असा सोवियत यूनियन के टुटंदे दिखो ती उम्र है पर अस सामू ये सजा वाकया आया असा इन पॉलिटिकल ग्लोबल कशीदगी में वे वे मुल्क सोवियत यूनियन जैमें 24 टाइम जोन्स हुआ सिज एक अना चढ़ बे हंध लहंद वही उन्हें डिसमेंटलिंग दिखी पर उन वही यूनिपोलर वर्ल्ड में एक अस इकतसादियात के हवा से डिक्टेशन दिखू जी यूनाइटेड स्टेट्स पा सा गड यूरोपियंस के अलाई रखो उन्हें सा गजी जो सो एक इकतसादी सूरत हाल कड़े तरीके से रहन खपे किए रहन खपे उन में एक अंसर हो तो इन मानुन के कसीरुल जहती फंड जैसे अस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड चंदा या वर्ल्ड बैंक अस चूं तो उन्होंने वो इन्फ्लुएंस यूएस जो है उन्हें की गाल क्यों एशियन डेवलपमेंट बैंक उनका परे ना है उन्हें सजे के इकतसादी जो सा जहत में जैसे भी डेवलपिंग कंट्रीज पंजो खुद इन सारी के जिन अटेंड न कयो जिते मिसमैनेजमेंट हुई एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स आ इकोनॉमी जो टोटल स्ट्रक्चर क्योटिक हो पाकिस्तान को मिसाल उते वरी चाइना जो सो पॉलिटिकल स्फेयर में पान के अंदर आने लाए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक ठाई पर अनफॉर्चुनेटली चाइना जो पान के अमेरिका या यूरोप का डिसकनेक्ट इन नी कर सके जो उन्होंने जो सजो व्यापार जो सो उन जो मेजर हिस्सो होदे तो वे इन कर चाइनीज तमाम घो केयरफुली शन के हलन था कोशिश कह जो शूं उन हद से डेवलप थन जिसे पा अमेरिकन एंड यूरोपियन यूनियन उन्होंने कें हेजोमनिस्ट आइडिया के इकतसादियात में आजो पा के वन नंबर से खड़ी वन में पो पा उ मसला हल थन जो एग्जाम्पल तब हांगकॉन्ग आज का 10-15 साल पे 20 साल पे को तस्वर ही को
तो हांगकांग के जो सो ब्रिटेन की जो है उनको सो कंट्रोल हो वह अथमा निकली चाइनीज के हथ में हों इतने भी यूएस यूरोपियन यूनियन खामोशी इख्तियार कई ताइवान के लिए वीह साल ये गाल चाइना चाइना जो सब्सिट्यूट वीटो पावर ताइवान वट हों वो सब गाल हाँ बाहर निकली कर उत तकरीबन हिंसर चाइना से मुझे ख्याल है तमाम घो स्ट्रॉन्ग वो डिस्प्यूट न वेठा कन। अच्छा सर आखिरी सवाल मुझे यो आवा सा त महंगाई से जो आ पूरी दुनिया के नुकसान थे पो को अड़ो मुल्क या का अड़ी क्लास भी है जिनके महंगाई से फायदो तो थे सो महंगाई से फायदो जितने भी ट्रांसनेशनल कंपनीज हैं उनके फायदो आ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के फायदो आ थोड़ी देर लाइक जिकन ऑयल कंजम्पशन घटती थे आई उनकी प्राइस में 20-30 सैकड़ो वाधारा तो अचे असाने सामू एक साल में अस 70 का वी ब्रेंड के जो आज 110 से मथे चढ़ने दिखो है जैसे तुम मुख्य बुझा तो मैं बैरल विकरा 70 से या बैरल विकरा 150 से कड़ी सुी प्रपोजिशन आट पंजा एसेट्स भी हैं जखीरा भी हैं मुख्य सागया पैसा मिलन बैठा तो यो जो सो इन सजे जॉर्गन डायनेमिक्स में यानी इन वन वन कंपनियों के इवन हुकूमत के जिते हुकूमत जो कंट्रोल्स हैं इन शे उन्होंने भी कें किस्म जो को नुकसान को थे जैसे को नुकसान थे वेठो तो कमजोर इकोनॉमीज के पैसो थे जिनके इन के पान के बचाव लाए सिर्फ कर्ज वी कर्ज लाहण की जो रविश से पी इकोनॉमी फैलानो आ पाकिस्तान से क्लासिक एग्जाम्पल के कर्ज वो कर्ज ला को भी एडमिनिस्ट्रेटिव इकोनॉमिक मैनेजमेंट या रिफॉर्म्स इन मुल्क में अज न चवस 50 साल का कड़ा भी अड़ा स्टेबल किस्म की शूं असाने सामू ना आयु थोड़ी देर लाइन असं बिजली गाल असा वा महंगाई जो आंसर जो सो सब का वे में वो आंसर चंदी तो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ एनर्जी आ तेल बिजली गैस बिजली जज तुफ्ता इस्माइल चो तो 3500 रुपये में असा बिजली थी पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर अब्दुल्जब्बार महमूद साहब बड़ी मेहरबानी प्रोग्राम में वक्त देने लाए प्रोग्राम जो वक्त जो इतने पूरा पे थे इन के प्रोग्राम के वाइंड अप कहीं तो मुल्क पूरी दुनिया में जो वक्त महंगाई की जो लहर है उनके उन्हें न सिर्फ पाकिस्तान जड़े मुल्क थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बल्कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनके भी अफेक्ट किया है। बरतानिया में 70 साल जो रिकॉर्ड टुटो है तो पेट्रोल जो कीमतू हैं उ 70 साल की बुलंद तरीन सतह से पहुंची हुई जिथे पेट्रोल की फी लीटर कीमत जो है 506 रुपया थी वही है जिनके कर उतं की आवाम है वह परेशान थी वही है तो एतरी महंगाई के किए कंट्रोल कज पूरी दुनिया में इन वक्त जो है महंगाई की लहर जो है वह वी पी वे उन मुख्तलिफ़ फैक्टर्स थी सन था रशिया यूक्रेन जंग थी सके थी COVID-19 थी सके तो बू भी काफ़ी सारी जो फैक्टर्स हूँ जो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स होंगी उनते असरअंदाज थी। अज के प्रोग्राम में एतरो ही मेज़बान इशफाक अहमद के दींदा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।